वेबसाइट है तो ही काम करोगे। तो आप देखिए कि ये एक एंजाइम आपको यहां पे दिख रहा है, इस एंजाइम के पास यहां पर एक साइट है, यू कैन जस्ट सी दिस साइट एंड दिस साइट इज द एक्टिव साइट। अब स्टूडेंट जो एक्टिव साइट होगा आप देख रहे हो कि इसका एक पार्टिकुलर शेप है, इसका एक पार्टिकुलर कंफर्मेशन है, बट क्या इसे ये कंफर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगा, क्या इसे ये कंफर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगा? एंजाइम्स आर जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, और अगर आपको ये कंफर्मेशन चाहिए तो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, याद देखिए कि अगर आपको काम करना है तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर एंजाइम को काम करना है इट शुड बी प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब देखिए एक्टिव साइट का जो कंफर्मेशन होता है वो सबस्ट्रेट के कंफर्मेशन से मैच कर रहा है। याद देखिए कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से काम नहीं करता, ये जो रिएक्शन है दिस इज अ हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। सारे लोगों को पता है कि ये हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट का कंफर्मेशन और सबस्ट्रेट का कंफर्मेशन बिल्कुल और बिल्कुल सेम होता है। अब सबसे पहला चीज होता है कि एंजाइम कम्स एंड बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट। तो अब एक सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंड कर गया और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक बॉन्डिंग बने। जब तक ये बॉन्डिंग नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इस क्लास में मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो टीचर इज अ एंजाइम एंड स्टूडेंट इज अ सबस्ट्रेट। और याद रखिए स्टूडेंट, जब तक हम लोग अच्छा रिएक्शन नहीं करने वाले जब तक मेरे और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना बने। तो ये बन गया है एक बॉन्डिंग, और जैसे एक बॉन्डिंग बनता है तो क्या एक मिनट में प्रोडक्ट बन जाएगा? नो सर, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। साल भर हम लोग तैयारी करते हैं, तो स्टूडेंट आप अब यहां पे तैयारी कर रहे हो और धीरे 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 सबस्ट्रेट क्या चीज में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब आप देखिए कि दिस इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट आज आप इस क्लास में क्यों आए हो? इसलिए आए हो क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आपने मेडिकल के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है। एक बार आप स्टूडेंट से मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब डॉक्टर बनने की स्थिति में आ जाओगे, तो क्या मेरे क्लासेस को देखने आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे स्टूडेंट, आप मेरे से अलग हो जाओगे। ये जो हमारा रिलेशनशिप है मेरा और आपका, ये हमेशा हमेशा के नहीं है, ये स्टूडेंट तभी तक है जब तक कि ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट ना हो जाए क्या चीज में, प्रोडक्ट में। तो फाइनली यू सी दैट वी हैव गॉट अ प्रोडक्ट लिविंग द एंजाइम, और ये यहां से सेपरेट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या चीज यहां पे सिखाया, सबसे पहला मैंने आपको क्या चीज सिखाया कि अगर एक एंजाइम को फंक्शनल होना है, अगर एक एंजाइम को फंक्शनल होना है तो फंक्शनल एंजाइम को किन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला चीज इन्हें रिक्वायरमेंट होता है एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट होने के लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? तो यू नीड अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, यू नीड अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या सिखाया कि ये जो तुम्हारा एक्टिव साइट होता है, ये जो तुम्हारा एक्टिव साइट होता है इसका कन्फर्मेशन किससे सिमिलर होता है? द कन्फर्मेशन इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। तो ये तीन पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से पता है। अब अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बनना है तो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, अच्छे से बाइंडिंग होना चाहिए, परफेक्ट बाइंडिंग होना चाहिए, तो उसके कारण से बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा इंटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली एंजाइम विल गेट सेपरेटेड एंड विल गेट कन्वर्टेड इंटू द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट इतने सारे चीज के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। अब एक बार आपने ये चीज जान लिया, अब हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। और अब देखिए बहुत मजा आएगा, एक एक चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स पे अटेंशन टू दिस पार्ट। द फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन
is going to be called as the competitive. The first type of inhibition is going to be called as the competitive inhibition. अब देखिए यहां पर कॉम्पिटिशन होने वाला है. कॉम्पिटिशन, अब आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है? आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है? वैसे स्टूडेंट्स के साथ है जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं. आपका कोई कंपटीशन नहीं है जो कि आईटी का तैयारी कर रहा है. आपका सारा कंपटीशन मेडिकल वालों से ही है. तो स्टूडेंट जस्ट यहां पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि दिस इज द एंजाइम. एवरीबॉडी पे अटेंशन. इफ दिस इज द एंजाइम हेयर नाउ, इस एंजाइम का मान लीजिए दिस इज अ सबस्ट्रेट. दिस इज द सबस्ट्रेट. आप क्या देख रहे हो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक्टिव साइट बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है. अब देखिए अगर तुमको यहां पे एक इनहिबिटर लाना है, अगर तुमको यहां पर एक इनहिबिटर लाना है तो दिस इज द इनहिबिटर. दिस इज द इनहिबिटर. तो सबसे पहला चीज आप क्या देख रहे हो कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं. तो स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग. याद रखिए दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग. ओके, दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चर वाइज मैच करते हैं. अब इस साइड पे सबस्ट्रेट क्यों बैठता है? क्योंकि इसका शेप इससे मैच करता है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है. तो स्टूडेंट सिंस इनहिबिटर का भी शेप इससे मैच करता है तो ये भी तो जाकर यहां पर बैठ सकता है, ये भी तो जाकर यहां पे बैठ सकता है. अगर मान लीजिए यू गेट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिविंग यू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो स्टूडेंट क्या होगा? यू विल गेट एट द एंड एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो एक नॉर्मल चीज है. लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस एंजाइम के साथ इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट कौन बैठ गया? यहां पर बैठ गया इनहिबिटर. तो इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. बट क्या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना पाएगा? क्या ये किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना पाएगा? नो सर. तो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि स्टूडेंट्स हाउ डज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्ट्स. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसको बोलते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, द फर्स्ट पॉइंट दैट दिस इज स्ट्रक्चरली, इसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है टू द इनहिबिटर, टू द सॉरी नॉट टू द इनहिबिटर, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट. सो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट. ओके, दूसरा ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है? तो दिस कॉम्पिटिटिवली बाइंड्स, तो याद रखिए दिस कॉम्पिटीट्स, ये कॉम्पिटीट करता है, दिस कॉम्पिटीट्स विद द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटीट करता है. क्या चीज के लिए कॉम्पिटीट करता है? फॉर द एक्टिव साइट, कि मैं बैठूंगा कि तुम बैठो. तो दिस कॉम्पिटीट्स विद द सबस्ट्रेट किसके लिए? फॉर द एक्टिव साइट. अब अगर मान लीजिए वो बैठ गया तो क्या चीज को इनहिबिट करेगा? तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू इनहिबिट, दिस इज गोइंग टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है. याद देखिए स्टूडेंट क्लास में बने रहिएगा, वी आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स टुडे, बहुत मजा आएगा. अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज बताने वाला हूं, जस्ट पे अटेंशन अगेन. तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ये रिएक्शन, क्या इस इनहिबिशन को मैं रिवर्स कर सकता हूं? तो यस सर, याद देखिए यस, यस इट कैन बी रिवर्स्ड, यस इट कैन बी रिवर्स्ड. तो सर इसको कैसे करके रिवर्स कर सकते हो?
हाउ इट कैन बी रिवर्स, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि दिस इज अ एंजाइम, ये तुम्हारा एक एंजाइम है एंड इस एंजाइम का ये एक एक्टिव साइट है। अभी जब मैंने बात किया था तो यहां पर वी हैड वन इनहिबिटर एंड वी हैड वन सबस्ट्रेट, तो हमारे पास एक इनहिबिटर था और एक सबस्ट्रेट था। अब दोनों के बीच में रेस लगा कि भाई मैं बैठूंगा तो मैं बैठूंगा, तो 50% चांस है कि यहां पे सबस्ट्रेट बैठेगा और 50% चांस है कि यहां पे इनहिबिटर बैठेगा। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं कि why to go for this, why to go for this, instead of that आप क्या करो, आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो। अब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा चांस है कि सबस्ट्रेट आकर यहां पर बैठ जाएगा। तो अगर सबस्ट्रेट वहां पे बैठेगा तो किसी प्रकार का ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगा एंड दिस कैन बी रिवर्स्ड। तो अगर कोई पूछता है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन को रिवर्स करना है तो यस सर, इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड। कैसे रिवर्स कर सकते हो, तो इट कैन बी रिवर्स्ड बाय, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट सर, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपको पूछता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑन द KM वैल्यू, ऑन द Vmax वैल्यू। तो इस चीज को थोड़ा समझने के लिए पहले देखिए स्टूडेंट कि ये KM वैल्यू और Vmax वैल्यू क्या होता है। देखो, मान लीजिए कि आपके पास, मैंने ये ग्राफ बनाया एंड स्टूडेंट्स इस पे एक एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यहां पर लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट और यहां पर लिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कैसा ग्राफ बनता है, अब जैसे जैसे तुम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। ओके, तो मान लीजिए दिस इज इंक्रीजिंग, तो स्टूडेंट जस्ट वेट हियर, दिस इज इंक्रीजिंग, बट एक टाइम ऐसा आता है कि एंजाइम पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है क्योंकि उसके सारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद ये ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल इस तरह का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट को बोलेंगे। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, क्यों ये यहां पर रुक गया, यहां पे रुकने का मतलब है 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन ऑफ द एंजाइम, कि एंजाइम पूरी तरह से 100% सैचुरेट हो गया है, ऑल द एक्टिव साइट्स हैव बीन ऑक्यूपाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को यहां पर भी मैक्स का हाफ बताओ, तो दिस इज योर वी मैक्स का हाफ, दैट इज वी एम बाई टू, बट वी एम बाई टू पे पहुंचने के लिए तो आप कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट में भी पहुंच जाओगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी हेयर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द KM। तो KM किसको बोलते हैं, सबसे पहला चीज KM इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, किस समय, वेन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो व्हाट इज योर KM, KM क्या होता है, तो KM होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। कब होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कितना है, तो दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। चलिए स्टूडेंट्स आप मेरे को बताइए कि अगर कोई एक एंजाइम है, और एंजाइम के पास लोअर वैल्यू है KM का, इफ अ एंजाइम हैज
लो वैल्यू ऑफ के एम, लो वैल्यू ऑफ के एम, तो आपको बताना है कि ये एंजाइम मोर एक्टिव है या फिर ये एंजाइम लेस एक्टिव है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थोड़ा कमेंट सेक्शन भी देखेंगे, थोड़ा कमेंट सेक्शन भी देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपके पास के एम का वैल्यू, अगर आपके पास के एम का वैल्यू, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओके ओके ओके, क्वेश्चंस देखूंगा क्वेश्चंस। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया मजा आ गया। जिन लोगों ने भी सही आंसर दिया है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि एंजाइम हैज गॉट लो वैल्यू ऑफ के एम। अगर ये लो वैल्यू है के एम का, इसका मतलब है कि दिस इज अ मोर एक्टिव एंजाइम, दिस इज अ मोर एक्टिव एंजाइम। तो अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जस्ट ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि आप अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ वैल्यू पे जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब लो के एम पे पहुंच जाते हैं, मतलब आपका सिलेबस जितना है उसका आधा सिलेबस आप अगर जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट हैं। वही अगर आधा सिलेबस को करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है, मतलब क्या है, मतलब यू आर अ लेस एक्टिव स्टूडेंट। तो बस वही चीज है कि केएम का वैल्यू जितना कम होगा, आपका जो एंजाइम है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। ओके सर, चलिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं मैं बताने वाला हूं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑन द के एम वैल्यू एंड ऑन द वीमैक्स वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं इसे ग्राफ में दिखा देता हूं, सबसे पहले मैं इसे ग्राफ में दिखा देता हूं। मान लीजिए ये तुम्हारा इस तरह का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ व्हाट यू आर गेटिंग। और ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ द इनहिबिटर, इनहिबिटर अभी नहीं है। याद देखिए, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ मैंने किसके एब्सेंस में बनाया है, तो अभी तुम्हारा इनहिबिटर नहीं है। अब देखिए, अगर इनहिबिटर आता है तो क्या होता है, तो स्टूडेंट द नेक्स्ट ग्राफ दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर, द नेक्स्ट ग्राफ दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर इज दिस वन। तो ये जो नेक्स्ट वाला ग्राफ है जो कि मैंने रेड से बनाया है, इस केस में इनहिबिटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर सीइंग हेयर, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर सीइंग हेयर। तो देखो, ये है तुम्हारा Vmax, दिस इज द Vmax, लेकिन आप देख रहे हो क्या Vmax किसी भी प्रकार से चेंज हुआ है? नो सर, देयर इज नो चेंज इन द Vmax, देयर इज नो चेंज इन द Vmax, Vmax किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हुआ है। तो सर क्या चेंज हुआ है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए दिस इज Vmax, तो दिस वैल्यू इज Vmax by 2, तो Vmax by 2 अगर ये है तो पहले वाले ग्राफ में Km जो है वो तो यहां पे है, Km तो यहां पे है, लेकिन दूसरे वाले ग्राफ में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले ग्राफ में Vmax अगर यहां पे है तो Vm by 2 तो यहीं पे है, तो स्टूडेंट इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड दिस इज द न्यू के एम। तो बताइए के एम क्या हुआ, के एम हैज इंक्रीज, तो स्टूडेंट के एम का वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज्ड हो जाता है। तो क्या सीखा हमने कि अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो ना यार, अगर तुम्हारा इनहिबिटर कॉम्पिटिटर है, तुम्हारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस में कुछ नहीं होगा। याद देखिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस तुम कर लोगे, प्रॉब्लम कहां पे आता है, तो इनिशियल पार्ट में आता है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। देखिए, अगर आप कहीं भी कॉम्पिटिट कर रहे हो, जैसे कि आप अभी नीट के एग्जाम के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हो, एक बार बस शुरू वाला हर्डल पार कर लो यार, बस शुरू वाला हर्डल पार कर लो। शुरू में बहुत भीड़ है, शुरू में बहुत भीड़ है, हर पांच पांच मार्क्स में, हर दो दो मार्क्स पे बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो टॉप परफॉर्मेंस है ना यार, अगर आप टॉप कैटेगरी में चले जाते हो तो आप देखोगे कि देयर इज नॉट मच कॉम्पिटिशन, ऊपर वाले कैटेगरी में कॉम्पिटिशन नहीं है, तो थोड़ा सा बस नीचे से ऊपर उठो, थोड़ा सा बस नीचे से ऊपर उठो, आग लग जाएगी स्टूडेंट, आग लग जाएगी, हम लोग उठना ही नहीं चाहते।
हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम लोग जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे रहना चाहते हैं। दिस इज द मोस्ट एंड वर्स्ट थिंग दैट वी डू। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर जगह इतना भीड़ है, हर जगह इतना भीड़ है, बट फिर भी भीड़ में रहना चाहते हैं। अरे यार थोड़ा सा उठो, पूरा आसमान खाली है, आसमान में तो कोई है ही नहीं। हम लोग बोल रहे हैं देश का आबादी बढ़ रहा है, देश का आबादी बढ़ रहा है। यस सर, आबादी बढ़ रहा है एट दिस लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, बट थोड़ा सा ऊपर उठो कोई नहीं है, पूरा आसमान आपका है, एंजॉय द लाइफ। तो स्टूडेंट्स याद देखिए, ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे भी मैक्स पे कोई चेंजेस नहीं आता है। जो भी चेंजेस आता है दैट कम्स ऑन विच वैल्यू, दैट कम्स ऑन द के एम वैल्यू। सारे लोग को समझ में आया? एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि किस वैल्यू पे क्या हुआ, ठीक है, तो देखो दो वैल्यूज है यहाँ पे, एक है वी मैक्स और एक है तुम्हारा के एम। हमेशा याद रखिए एक वैल्यू ऐसा होगा जिसपे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमेशा एक वैल्यू ऐसा होगा इन दोनों में जिसपे की कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में ही आपके लिए आंसर लिखा हुआ है, जस्ट पे अटेंशन, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखा हुआ है। आप चुपचाप लिखिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। इतना तो यार क्वेश्चन पेपर में पहले से लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा बताओ यहां पे, अब क्या करो, सिंपली राइट दिस अगेन, इसको फिर से लिखो, बट सी के जगह पे के लिखो, सी के जगह पे के लिखो। तो सर कैसे लिखेंगे? दिस इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो आंसर आ गया, तो आंसर चला आया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कहां आंसर आ गया, सर क्यों झूठ बोल रहे हो। अरे यार आ गया है, थोड़ा ध्यान से देखो। कॉम्पिटेटिव क्या लिखा हुआ है, के एम नहीं दिख रहा है, अच्छा ब्लैक कलर। कॉम्पिटेटिव क्या लिखा हुआ है, KM का वैल्यू, इनहिबिशन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज। तो स्टूडेंट हो गया ना, KM का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट दूसरा वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि एक ही वैल्यू चेंज होगा, दूसरा वैल्यू सेम रहेगा। तो भाई क्वेश्चन सेटर ने आपको बता दिया कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में सी की जगह पे के लिखो और KM इज गोइंग टू इंक्रीज। आग लगी, मजा आया? यस सर, ऐसे ही मजा देते रहेंगे। चलिए लेट्स नाउ टॉक अबाउट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछता है कि एक एग्जांपल बता दो यार, एक एग्जांपल बता दो किसका, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का, सारे किताब में एक ही दिया हुआ है, आप भी वही याद रखो, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक बड़ा ही फेवरेट रिएक्शन है हमारे क्रेब साइकिल का, और वो रिएक्शन है ये वाला, सक्सिनिक एसिड। याद रखिए सक्सिनिक एसिड gets converted into the fumaric acid। अब इसको convert करने के लिए कौन सा enzyme चाहिए, इसको convert करने के लिए चाहिए succinic dehydrogenase। अब ये जो enzyme है इसको मैं इनहिबिट करूंगा। तो सर कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज अ इनहिबिटर जिसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता होगा, सक्सिनिक एसिड से। तो चलो सर यूज करो मैलोनिक एसिड। क्या यूज करेंगे, मैलोनिक एसिड। और ये मैलोनिक एसिड का जो है, this is a inhibitor of what, succinic dehydrogenase, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे how to reverse this, इस इनहिबिशन को, जो इनहिबिशन यहां पे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को मैं नहीं चाहता हूं कि ये इनहिबिटर काम कर पाए, how to reverse, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, कम ऑन स्टूडेंट्स, हाउ टू ओके सर। अब कुछ लोगों का नाम भी लेते हैं यार, ओके, वेरी गुड, जल्दी स्टूडेंट्स, कम ऑन बी क्विक, वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 गुड कि आपको क्या करना है, सक्सिनिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना है. सिंपली इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड. होप एवरीबडी गॉट दिस. ठीक है, मजा आ गया. वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स. चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को और भी अच्छे से समझते हैं. बट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, या थोड़ा सा पानी पी लेते हैं. हाँ ओके. चलिए, आई एम बैक अगेन. सो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है. तो स्टूडेंट्स, अब सर थोड़ा पढ़ा दो ना यार, नॉन कॉम्पिटेटिव भी पढ़ा दो. केवल कॉम्पिटेटिव पढ़ा के निकल जाओगे क्या? नो सर, वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट द नॉन कॉम्पिटेटिव ऑल्सो. बट अरे यार, मेरे को थोड़ा सा ये ज्यादा मजा आ रहा है यार. जब से मैंने इस लाइन को देखा है ना यार, मेरी बहुत मजा आ रहा है. थोड़ा सा मैं भी इसे पढ़ लूं. बड़ा सुंदर लग रहा है ये देखने में. द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग. यार देखिए, बात करना बंद करे. 2 महीने में 720 में 720 कैसे लाए? हाउ टू स्कोर 360 ऑन 360 इन बायोलॉजी? हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स इन वन डे? थोड़ा देर के बाद मैं भी एक वीडियो लेके आऊंगा, हाउ टू स्कोर 360 ऑन 360 इन 1 आवर. तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है यार, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग. पढ़ना शुरू करो यार. मार्क्स तो जो आएगा आएगा, बट पढ़ोगे तब तो मजा आएगा. रेस्ट स्टार्ट तो करो. चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक नाउ. तो अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग the non-competitive inhibition के बारे में. Let us talk about the non-competitive. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए स्टूडेंट की एक एंजाइम है. This is the enzyme here. Okay. अब इसका ये एक substrate है. Okay. अब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर इस एंजाइम से मैच कर रहा है, मस्त वाला मैच कर रहा है, अच्छा मैच कर रहा है. ठीक है, अब देखिए, मेरे पास एक इनहिबिटर है. अब इस इनहिबिटर को यहां पे बैठना है. अरे यार, थोड़ा सा मैंने इनहिबिटर को थोड़ा अच्छा नहीं बनाया. एक मिनट. ओके, यस सर. सो नाउ आई हैव गॉट अ इनहिबिटर. यस, अब ये ऐसा है. अब देखिए, क्या ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट से मैच करता है? कोई मैचिंग नहीं है. ये मेडिकल की तैयारी करता है और ये आईआईटी की तैयारी करता है. अरे यार, आईआईटी वालों से आपका क्या कंपटीशन? तो स्टूडेंट्स, याद देखिए, इनहिबिटर इज नॉट सिमिलर टू What sir? The substrate. तो ये substrate से similar नहीं है. तो अगर नहीं है तो मैं तो तुम्हें बैठने नहीं दूंगा. तो student क्या होगा? बहुत ही आसानी से substrate जाएगा और यहां पर बैठ जाएगा. क्योंकि inhibitor अगर चाहे भी तो यहां पर जाकर नहीं बैठ सकता है. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसके साथ मैच नहीं करता है. पहला चीज, ठीक है. फिर भी मैं तो इनहिबिटर हूं यार, मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा. किसी ना किसी तरह से तो मैं तुम्हें इनहिबिट करूंगा ही करूंगा. तो चलिए, आप मेरे को यहां बैठने नहीं दोगे ना, कोई बात नहीं, मुझे वहां मत बैठने दो, मैं दूसरी जगह पे आके बैठूंगा. तो ये आया और आकर यहां पर बैठ गया. अरे यार, एक्टिव साइट पे बैठते बट आके तुम यहां पे बैठ गए. अब देखिए, यहां पर जो बैठता है ये है सम अदर साइट अदर देन द एक्टिव साइट. तो स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बाइंड टू सम अदर साइट. कौन से अदर साइट पे? अदर देन एक्टिव साइट. ये भी इंपॉर्टेंट है. अदर देन बिसाइड द एक्टिव साइट. तो इसका क्या मतलब है?
कि क्या ये सबस्ट्रेट को रोकेगा, क्या ये सबस्ट्रेट को रोकेगा एक्टिव साइट पे बाइंड करने से? नहीं सर, नहीं सर। लेकिन ये क्या करेगा, अब आप देखिए कि जैसे ये अलग साइट पे बाइंड करेगा तो ये इसके एक्टिव साइट के कंफर्मेशन को खराब कर देगा, ये इसके एक्टिव साइट के कंफर्मेशन को खराब कर देगा। और जितना अच्छा बाइंडिंग पहले होता था किसके बीच में, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में, जैसे कि मान लीजिए पहले ये तुम्हारा एक्टिव साइट था और ये सबस्ट्रेट था, तो ये लोग मस्त बाइंड करता था, दिस वॉज द परफेक्ट बाइंडिंग, अभी भी बाइंड करेगा, अभी भी बाइंड करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट, दिस इज द इम्परफेक्ट बाइंडिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये ऐसा है, दिस इज द परफेक्ट बाइंडिंग, ये तुम्हारा परफेक्ट बाइंडिंग है, किसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट मस्त है, बिल्कुल अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ऐसे बाइंड नहीं करेगा, अब ये ऐसे बाइंड करेगा, दिस इज नॉट परफेक्ट बाइंडिंग। बाइंडिंग तो हो रही है बट परफेक्ट बाइंडिंग नहीं हो रही है। अगर परफेक्ट बाइंडिंग नहीं होगी तो जितना अच्छा से एंजाइम पहले काम करता था अब उतने अच्छे से ये काम करने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पॉइंट्स इस पे नोट डाउन करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए थोड़ा सा यार आई नीड टू क्लियर अवे द इंक। ओके नाउ सी, सबसे पहला नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इज नॉट सिमिलर टू सबस्ट्रेट, तो इस पॉइंट को लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए ये सबस्ट्रेट से सिमिलर नहीं है, इट बाइंड्स टू सम अदर साइट, इट बाइंड्स टू सम अदर साइट अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है। तो स्टूडेंट कहां पे बाइंड करता है, तो दिस बाइंड्स टू, याद देखिए एक नया साइट और इसको बोलते हैं हम लोग एलोस्टेरिक साइट, इसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एक दूसरा नाम बताइए, तो याद रखिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन में एक्टिव साइट पे बाइंडिंग नहीं होता है, जो भी बाइंडिंग होता है वो दूसरे साइट पे होता है अदर देन द एक्टिव साइट। अब आखिर ये बाइंड करके क्या करता है, तो स्टूडेंट याद देखिए इनहिबिटर चेंजेस द कंफर्मेशन का मतलब है द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, कंफर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट। अगर तुम्हारा कंफर्मेशन चेंज हो गया तो इसके कारण से क्या होगा, There will be no perfect binding. Perfect binding नहीं होगा किसका, of the enzyme and the substrate. Enzyme substrate में binding तो होगा but ये perfect binding नहीं होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते, ध्यान दीजिए। मान लीजिए students, simply अगर ये एक एंजाइम है, जस्ट पे अटेंशन, ये एक एंजाइम है, नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लास्ट में क्या बनाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा नॉर्मल चीज है जो कि हो रहा है। अब आप देखिए, मान लीजिए एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है। अब देखो अभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, अभी भी बाइंड करेगा, ऐसा नहीं कि बाइंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि इनहिबिटर अभी उसके एक्टिव साइट पे नहीं बैठा है, लेकिन इनहिबिटर एक दूसरे साइट पे बैठ गया है। तो इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या यहां पे एंजाइम और सबस्ट्रेट में परफेक्ट बाइंडिंग है, तो नो परफेक्ट बाइंडिंग,
और अगर तुम परफेक्ट बाइंडिंग नहीं करोगे, मतलब अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर तुम्हारा ब्रेन परफेक्टली काम नहीं करेगा, मैंने तुम्हारे परफेक्ट साइट को इम्परफेक्ट बना दिया है, तो क्या तुम अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दोगे? नहीं दे पाओगे। तो स्टूडेंट्स याद देखिए, यहां पर क्या होता है, भी मैक्स इज डिस्टर्ब्ड। आखिर यहां पे डिस्टर्ब क्या होगा, तो भी मैक्स डिस्टर्ब होगा। सब किसी को समझ में आया? तो स्टूडेंट्स याद देखिएगा कि यहां पर एक्चुअली क्या होता है, यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जस्ट ध्यान दीजिए, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल बताइए, या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, आपको बस क्या लिखना है, इस चीज को चेंज कीजिए, इसको लिखिए ऐसे, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ऐसे लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद अब इसको रीड कीजिए, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, नो ये क्या बोलता है, KM ये क्या बोलता है, इंक्रीज, नो KM इंक्रीज, KM का वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब KM क्या रहेगा, KM is going to remain constant, लेकिन दूसरा वैल्यू चेंज होगा। मैंने बोला था एक वैल्यू सेम रहता है तो दूसरा वैल्यू चेंज होगा, तो स्टूडेंट सेकेंड वैल्यू यहां पे क्या है, दैट इज गोइंग टू बी वी मैक्स। अब देखो, वी मैक्स अगर इनहिबिट करोगे तो बढ़ेगा तो नहीं, ये घटना ही चाहिए, तो वी मैक्स इज गोइंग टू इनहिबिट, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, द वी मैक्स का वैल्यू क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। सारा लोगों को समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, तो ये मैच नहीं करता है किससे, ये मैच नहीं करता है तुम्हारा सबस्ट्रेट से, इस कारण से ये उस साइट पे जाके नहीं बैठता है जहां पे सबस्ट्रेट बैठता है। तो कहां पे नहीं बैठता है, एक्टिव साइट पे नहीं बैठता है, तो सर कहां बाइंड करेगा, तो दूसरे साइट पे बाइंड करेगा, दूसरे साइट को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, वहां बाइंड करके क्या करेगा, तो वहां बाइंड करके ये एक्टिव साइट के कंफर्मेशन को खराब करेगा। उसके कारण से एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड तो करेंगे बट उतने अच्छे से बाइंड नहीं करेंगे जितना अच्छा से करना चाहिए। इस कारण से एंजाइम कभी भी अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और भी मैक्स का वैल्यू घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इनिशियल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, शुरू पार्ट में सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, देयर इज नो इशू कमिंग इन द इनिशियल पार्ट, जो भी वैल्यूज प्रॉब्लम आती है वो लेटर पार्ट में आती है, इस कारण से KM का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है। सारा लोग को समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों चीजों को पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते हैं, चलिए सर, चलिए वेरी वेरी गुड। पहले पहले बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो 86 पीपल आर देयर, सबसे पहले 86 लोग यार हिट बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, और लाइक बटन दबाने के बाद एक बार लिखो मजा आ रहा है, ओके, कमॉन। यस सर, अभी बने रहिएगा, बहुत मजेदार चीज पढ़ाने वाले, तो बने रहिएगा। ओके, क्रिस्टल क्लियर सर, ओके। जल्दी मजा आ रहा है, आई नीड द कमेंट, मजा आ रहा है, ओके। शिवानी गुप्ता, गुड इवनिंग मैडम, वेरी गुड, वेलकम। चलिए और भी लोग हैं, ओके, मजा आ रहा है, सारे लोगों को मजा आ रहा है, वेरी वेरी गुड। अभी भी टाइम बाकी है, अभी बहुत टाइम बाकी है, कम से कम अभी 15 मिनट और क्लास चलेगा, कम से कम, ठीक है। और अगर ज्यादा मजा आया तो और पढ़ाएंगे। चलिए, ओके सर, वेरी गुड, कमेंट सेक्शन पूरा भर गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन सारे चीजों को मैंने आपको बता दिया है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन दिस इज अ टॉपिक अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली,
द एंजाइम क्लासेस, या देखिए टोटल एंजाइम्स को हम लोग 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एंजाइम जितने भी यहां पे प्रेजेंट हैं उनको हम लोग 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सारे क्लासेस के नाम आपको याद होने चाहिए, दिस इज अ डू और डाई टॉपिक। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्लास इज गोइंग टू बी ऑक्सीडो रिडक्टेज, याद रखिए बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक नंबर में कौन होगा। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट क्लास कौन होगा तो आपको बोलना होगा ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ऐसा कोई भी एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन कराए, या ऐसा कोई भी एंजाइम जो कि रिडक्शन कराए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सर, द ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा रिएक्शन लिखते, मान लीजिए स्टूडेंट अ सिंपल सा रिएक्शन इज AH प्लस बी। अब इसके ऊपर कोई एंजाइम काम कर रहा है, और इस एंजाइम ने एक प्रोडक्ट बनाया ए प्लस बी एच। अब आप देखिए यहां पर ए ने अपने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, अगर आप हाइड्रोजन लॉस करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट ए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और बी ने क्या किया है, बी ने स्टूडेंट हाइड्रोजन को गेन कर लिया है। अगर ऑक्सीजन को गेन करता तो ऑक्सीडेशन होता, बट हाइड्रोजन को गेन किया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऐसा कोई भी रिएक्शन हो, तो कोई भी एंजाइम हो, दैट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी एंड स्टूडेंट्स द ऑक्सीडो रिडक्टेज। एक एग्जाम्पल बताइए, तो अभी तो मैं पढ़ा रहा था सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज, गो फॉर दिस सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज, तो दिस इज द फर्स्ट वन दैट यू कैन राइट हेयर, ओके। चलिए अब जो सेकेंड क्लास होता है, सर वो क्या होता है, तो स्टूडेंट सेकेंड क्लासेज ट्रांसफरेज, अब ट्रांसफरेज का क्या मतलब है कि तुमको किसी ग्रुप को ट्रांसफर करना है। अब जैसे कि मान लीजिए We have got a compound AX plus B. अब यहां पर मैं इस X को अगर B को ट्रांसफर कर दूं, तो जो भी एंजाइम ये काम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा A plus BX. तो X नाम का जो ग्रुप था उसको मैंने B को ट्रांसफर कर दिया है, तो ये एंजाइम क्या कहलाएगा, ट्रांसफरेज कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक एग्जाम्पल बताओ, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन का इसका आंसर होता है हेक्सोकाइनेज। रट लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जब भी पूछेगा वो यही पूछेगा, तो सर क्यों सर, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है और इसमें मैंने एक एटीपी ऐड कर दिया, किसके प्रेजेंस में, तो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि एटीपी का एक फॉस्फेट को मैंने ट्रांसफर कर दिया, किसे सर, ग्लूकोज को, तो हो गया ट्रांसफर, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफरेज, तो सेकेंड नंबर भी हो गया। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, एक मिनट स्टूडेंट, अब इसी में बताना पड़ेगा मेरे को, ओके सर, तो थर्ड वन में आइए, तो थर्ड वन इज हाइड्रोलेज, या देखिए मैं पूछूंगा सेकेंड वन क्या है तो ट्रांसफरेज ही बोलना है, मैं पूछूंगा थर्ड वन क्या है तो हाइड्रोलेज ही बोलना है। अब देखिए हाइड्रोलेज, का क्या मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, कंपाउंड को ब्रेक करना है, बट यूजिंग व्हाट, यूजिंग द वाटर। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक चीज है समथिंग कॉल्ड ए बी, दिस इज समथिंग, नाउ इसको मेरे को ब्रेक करना है, तो मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, और यहां पर एक एंजाइम लगा दिया, नाउ दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू AH plus BOH, AH plus BOH and this is a hydrolysis reaction, क्योंकि AB क्या हुआ, टूट गया। याद रखिए
ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपने डाइजेशन चैप्टर में जितने भी एंजाइम्स पढ़े हैं, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर गोइंग टू बिलोंग टू विच ग्रुप, तो तीन नंबर ग्रुप, दैट इज द हाइड्रोलेज. नाउ कम्स द फोर्थ नंबर, नाउ कम्स द फोर्थ नंबर. तो फोर्थ नंबर में स्टूडेंट याद रखिएगा, फोर्थ नंबर में याद रखिएगा लाइएज, फोर्थ नंबर में लाइएज. अब देखिए नाम क्या है इसका, लाइएज. अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट सर, लाइसिस. दिस इज गोइंग टू बी लाइसिस. तो यहां भी आपको ब्रेक करना है, यहां भी आपको ब्रेक करना है, लेकिन वाटर ऐड नहीं होना चाहिए. या देखिए लाइएज में भी ब्रेकडाउन है, दिस इज ऑल्सो द ब्रेकडाउन, ये भी तुम्हारा ब्रेकडाउन है, ये भी ब्रेकडाउन है, बट विदाउट यूजिंग वाटर, बट विदाउट यूजिंग वाटर. लेकिन केवल इतना करने से नहीं होगा, इसके साथ साथ में जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए. याद देखिए साथ में क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. तो ये दो पॉइंट होना जरूरी है. क्या होना चाहिए कि तोड़ना है, टूटना चाहिए, लेकिन वाटर ऐड नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट बने उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए. तो जैसे कि मान लीजिए यहां पे देखिए एनसीईआरटी में एक सुंदर सा एग्जांपल दिया है. मान लीजिए कि वी हैव समथिंग लाइक दिस, इस तरह का हमारे पास है, एंड स्टूडेंट्स यहां पे वी हैव गॉट ए एंड बी, और इसके पास एक एक्स लगा हुआ है, इसके पास एक वाई लगा हुआ है, और इसके ऊपर काम किया लाइएज नाम का एंजाइम. एंड नाउ यू आर गेटिंग समथिंग कॉल्ड, ए और बी के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, और मान लीजिए आपका एक्स अलग हो गया और वाई अलग हो गया. अगर इस तरह का कोई भी रिएक्शन हो रहा है कि ब्रेक तो हो रहा है बट साथ में बीच में एक डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ये एक्स रिलीज हो गया, ये वाई रिलीज हो गया, बट अ डबल बॉन्ड हैज गॉट फॉर्म्ड हियर, दिस इज गोइंग टू बी लाइएज. इस तरह का एंजाइम आपने पढ़ा होगा एल्डोलेज, आपने पढ़ा होगा एल्डोलेज. ये भी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन पे तोड़ता है, ये एल्डोलेज. ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं पांचवा और छठा के बारे में. लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ वन. ओके, तो जो फिफ्थ वन है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, द आइसोमरेज. तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब इसमें तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक दूसरे का क्या होगा, आइसोमर होगा. एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी लाइगेज, लास्ट वन इज गोइंग टू बी लाइगेज. लाइगेज का मतलब है लाइगेट करना, मतलब जोड़ देना. तो जोड़ना है तो स्टूडेंट ए प्लस बी इज गोइंग टू गेट बॉन्डेड एंड दिस विल फॉर्म ए बी. तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइगेज. अब देखिए स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 क्लास आपको याद होने चाहिए ऑर्डर में. तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इसके लिए एक ट्रिक बना के आपको सिखाया था, फिर से उसी ट्रिक को रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए. सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि भाई जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कि शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए जनरली इंडिया में हिल स्टेशन जाएंगे. जिसको भी देखो आज तक जिंदगी में कभी हिल स्टेशन नहीं गया, लेकिन शादी करने के बाद शिमला जा रहे हैं. तो भाई शिमला क्यों जा रहे हो, तो हनीमून मनाने जा रहे हैं. तो भाई शिमला में ऐसा क्या रखा हुआ है, इस हिल स्टेशन पे ऐसा क्या रखा हुआ है कि सारा लोग वहीं जा रहा है. तो स्टूडेंट्स जस्ट पे अटेंशन टू अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक. ऑन द हिल, याद रखिए ऑन द हिल. तो सर हिल पे ऐसा क्या होता है, तो ऑन द हिल लव इज लाइफ, ऑन द हिल लव इज लाइफ. अगर इस ट्रिक को याद रखते हैं कि भाई सारे लोग हिल्स पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जिंदगी ही लव है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे. तो स्टूडेंट वहां पे कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहा क्या, अगर कोई शिमला का स्टूडेंट है, डोंट टेक टेंशन यार, डोंट टेक टेंशन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा है क्या कि वहां पे कोई भी बस लव एंड लव, लव इज इन द एयर, यही बोलते हैं ना सर, वैलेंटाइन वीक इज नियर. बट पार हो गया, बहुत अच्छा हुआ यार, चला गया. अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ऑन, ऑन इज व्हाट, ऑक्सीडो रिडक्टेज.
पहला हो गया, दूसरा ट्रांसफरेज, सेकंड नंबर हो गया हिल हाइड्रोलेज, थर्ड नंबर हो गया एंड देन वी हैव गॉट द लव, लव इज गोइंग टू बी लाइज, लव इज गोइंग टू बी लाइज, उसके बाद इज, इज इज गोइंग टू बी आइसोमरेज एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी लाइगेज, लास्ट वन इज गोइंग टू बी लाइगेज। सारे लोगों को समझ में आया, सारे लोगों को समझ में आया, पूरा ट्रिक मस्त वाला क्लियर हो गया। अब देखो कभी कभी आप थोड़ा कंफ्यूजिया सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिया सकते हैं एक बेसिक से चीज में कि सर यहां भी एक L है और यहां भी एक L है, तो दो L हैं सर, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन सा लाइगेज है और कौन सा लाइज है, तो इसके लिए भी एक तरीका है, इसके लिए भी एक तरीका है। सबसे पहले तो मैंने ट्रिक में ही ऐसा बना दिया है, आप देखिए लाइफ एल आई, दिस शुड बी एल आई, मैंने जानबूझकर ट्रिक ही ऐसा बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सबसे पहला चीज। लेकिन फिर भी मान लो आप भूल जाते हैं, आप बोलते हैं नहीं सर मैं तो एकदम बोका हूं सर, मुझे याद नहीं होता सर, मैं फिर भी भूल जाता हूं, तो आप सिंपली बॉलीवुड मूवीज के बारे में सोचिए, सिंपली बॉलीवुड मूवीज के बारे में सोचिए। अब देखिए